अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरी हर क्लास आप तक पहुंचती रहे। और गाइस लाइक करना ना भूलें और प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। तो गाइस अब हम लीव्स सीखेंगे। देखें, लीव्स तो ऑलरेडी सीख कर हैं और हमारी लीव्स की क्लास तो हो गई है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लीव्स में डिज़ाइंस, जो कि यहाँ पर तीन पैटर्न दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरे पैटर्न्स दिखाऊंगी, क्योंकि अगर पूरे पैटर्न्स एक ही वीडियो में बना दूंगी तो फुल बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं छोटा करके तीन यहाँ पे डाल रही हूँ पैटर्न्स। तो देखेंगे इस यहाँ पर लीव्स, एक लीव्स डाल कर स्लो लाइन लेकर जाके बीच में प्रेस करते हुए उसको छोड़ना है सामने की तरफ। देखें इस तरह, तो इस तरह डालते हुए गाइस मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ एक लाइन, फिर उसके लाइन के एंड में डाल रही हूँ थोड़ा छोटा वाला डॉट, फिर जो जगह बचकर रहती है तो मैं वहां फिल करी डॉट्स। तो देखेंगे ये भी बहुत खूबसूरत सा पैटर्न दिखता है। और ये मैं फ्लावर के साथ डाल रही हूँ, जो कि ये थोड़ा लंबा वाला लीव्स है, वो छोटे छोटे वाले जो फर्स्ट पैटर्न में है वो थोड़ा छोटा वाला लीफ है, ये थोड़ा बड़ा वाला पत्ता है। देखें फूल पहले मैं डालकर उसके बाजू से बेल लेकर जा रही हूँ। ये भी अरेबिक डिज़ाइन में ये बेल डालते हैं और इंडियन डिज़ाइन में भी ये बेल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एंडिंग डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं और बीच में भी इस्तेमाल करते हैं और फिंगर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत खूबसूरत दिखता है इंडियन डिज़ाइन भी। तो मैं पूरा इंडियन डिज़ाइन हाथ पर डालने से पहले मैं ये सब पैटर्न्स आपको बता रही हूँ, ताकि हम जल्द से जल्द पूरे हाथ पर ये पैटर्न डालते हुए फिनिश करें। तो गाइस ये बहुत सारे पैटर्न से ही, बहुत सारे डिज़ाइन से इंशाल्लाह मैं पूरे पैटर्न सिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको भी हर एक डिज़ाइन आ जाए और हर एक डिज़ाइन आप प्रैक्टिस करके आराम से हाथ पर डाल सके। तो गाइस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही हमारा हाथ बैठता है। अब देख लिए, फिर एक बार देखें, दो बार देखें, इस तरीके से हम सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस करना है, एक से दस बार भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी कम है। प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छा डालो और फिनिशिंग के साथ ड्रॉ करो और इत्मीनान से आहिस्ता से डालते जाओ। लेकिन मेहंदी जो है वो लुंडे होकर नहीं पड़ना है, बल्कि साफ पड़ना है। तो गाइस यहाँ पर देखें, मैं लीव्स थोड़ा बड़ा वाला लेते हुए मैं एंड कर रही हूँ, थोड़ा सामने को बीच में प्रेस करते हुए एंड करें। देखिए इस तरह। तो गाइस हमारा तीसरा पैटर्न है, जो कि है उसी लीव्स को लेकर वही पत्ते को बीच में मैं लाइन लाइट से डालते हुए, उसको कर्व लाइन लाइट से डालते हुए, जो पत्ता हम डालते ना उसी पत्ते के शेप में मैं लाइन डालकर बारीक सी, मोटी वाली नहीं, थिक नहीं, लाइट से बारीक वाली लाइन डालते हुए मैं ऊपर डाल रही हूँ लीव्स को। देखें पत्ता हमारा थोड़ा यहाँ पर भी लंबा है, यहाँ पर काड़ी के साथ हमारे पत्ते जा रहे हैं। देखें गाइस ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है, ये डिज़ाइन भी ज़बरदस्त दिखता है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ये लीव्स को लेकर आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो कम है। थाम लेंगे जब तक नहीं आएगा तब तक भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहो प्रैक्टिस, बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा। तो देखें गाइस अच्छे से अच्छा डालेंगे आप प्रैक्टिस करने से। और मैं यहाँ पर उसी कंडीशन में लेकर वही लीव्स को लेकर मैं यहाँ पर पूरा फिल कर रही हूँ। देखें इस तरह इत्मीनान से एक काड़ी खींचते हुए बीच में प्रेस करते हुए एंड में छोड़ दें। बीच में प्रेस करना है तीन नुक्तों के बखदर, उसको वहाँ पर प्रेस करते हुए देखें इस तरह छोड़ें। देखेंगे इस हमारे ये पैटर्न्स भी कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और कितना लुक दे रहा है। अगर इंडियन डिज़ाइन में बीच में फिल कर दो ना तो चार चांद लगा देंगे। तो देखें इतना खूबसूरत से लीव्स कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और फिर बीच में मैं एक एक लीव्स करके यहाँ पे फिल कर रही हूँ और जो बीच में जगह रहती है उसको डॉट डाल कर। तो गाइस इसी लीव्स को लेकर हम बेल भी इस तरह डालते हैं, ये भी एक क्लास में बेल मैं आपको दिखाऊँगी किस किस तरीके से डालते हैं।
तो गाइस हमारी यहाँ पर होती है क्लास एंड, जो कि हम तीन पैटर्न्स को लेकर लीव्स डालने का सीखें और प्रैक्टिस करें जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें लीव्स डालने की, क्योंकि लीव से ही हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिखता है गाइस। अरेबिक डिज़ाइन में तो लीव्स के बगैर अरेबिक डिज़ाइन मुकम्मल नहीं होता, जैसा कि हम्स और बड़े हम्स और लाइंस को लेकर हमारा इंडियन डिज़ाइन जैसा कंप्लीट नहीं होता, उसी तरह अरेबिक डिज़ाइन भी इसके बगैर नहीं कंप्लीट होगा गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, इसी पैटर्न को लेकर हम करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।